जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय हरिशंकर सिंह का गुरुवार को डकरा के संघ कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इनके एरिया के सभी श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि के अलावा मजदूर और आम लोग शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले दीप जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसकी अध्यक्षता कोलफील्ड यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, संचालन डीपी सिंह और धन्यवाद ज्ञापन टूपा महतो ने किया। शोक सभा को कमलेश सिंह, सुनील कुमार, शैलेश कुमार, बीएन पांडे, गोल्डन प्रसाद यादव, सुनील सिंह, राघव चौबे, हरिंदर सिंह, गुलफीत देवी, अशोक सिंह, बूटन चौहान ने संबोधित किया। इस अवसर पर मनोज झा, अशोक सिंह, अजय चौहान, संदीप सिंह, अमिताभ चौहान, वीरेन पासवान, गणेश ठाकुर, आनंद सिंह, सुधीर कुमार चौहान, प्रभु गंजू, बिरजू लोहार समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। चाहेंगे कि हमारे जितने भी अतिथि यहाँ हैं सम्मानित दीप प्रज्वलित करें। उनके साथ रहा करते थे, उनके साथ मंच साझा करते थे, उनके कार्यक्रम को भी जैसा कि फोटो में आप देख रहे हैं, वो 74 का दौर नेताजी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ के अध्यक्ष होते हुए भी युवा जनता पार्टी के वहाँ नेतृत्व किए, जयप्रकाश के आंदोलन में आने के बाद जब इमरजेंसी लगा तो तमाम छात्रों को हॉस्टल खाली करना पड़ा, उसी दौरान नेताजी जिसको कि हम लोग कहते हैं तड़ीपार हो जाना, सारे छात्रों को आफत आ गई थी। प्रसाद मुझे किसी भी तरह का मंच हो और कितना भी बड़ा मंच हो, सामने कितनी बड़ी संख्या हो और सामने कौन बैठे हैं, ऐसा कभी किसी भान नहीं रहता। लेकिन 28 जनवरी के बाद से ऐसे कई श्रद्धांजलि सभा में जाने का अवसर मिलता है और आज भी एक श्रद्धांजलि सभा है जहाँ नेताजी रहा करते थे। हमें ऐसा महसूस करते हैं कि निरुत्तर हो जाते हैं, मन अपने आप से पूछता है कि क्या बोलोगे, कब बोलोगे, पहले कौन। उमड़ते घुमड़ते मन की भावनाएं हैं, वेदनाएं हैं, क्यों? क्योंकि नेताजी ऐसे समय संगठन को छोड़कर चले गए जब उनकी बहुत जरूरत थी। वो अस्वस्थ जरूर थे लेकिन हर वक्त पर उनका सलाह, उनका मार्गदर्शन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी। मुझे एक चीज की हमेशा ताकत रहती थी कि कुछ जब नहीं समझ में आएगा तो नेताजी से पूछ लेंगे। इस बात के लिए मैं अनाथ हूं। अब मैं न आगे न पीछे देख नहीं पा रहा हूं कि मैं किससे पूछूंगा, किससे समझूंगा, किसी उलझन में किससे सलाह लूंगा। और आप जब व्यक्ति इस मुकाम पर खड़ा होता है कि जहां उसे ना कोई सलाह देने वाला हो ना उसे मार्गदर्शन देने वाला हो, तो मैं समझ सकते हैं। इसी कड़ी में आज उन्हें श्रद्धांजलि सभा में हमें बोलने को आप लोगों ने कहा। हमारी हालत कुमार की वो मिट्टी की तरफ थी जो कहीं से लाया था, किसी पड़े हुए सड़क से मिट्टी को उठाया था और अपने इसी कार्यालय में उसने गूंथ कर एक साँचा और एक आकार दिया और उसको थपथपा कर एक सेफ में लाया, जैसा साथी सुनील जी ने कहा। और आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, संघ के कार्यों में।